थर्सडे मॉर्निंग को मिल रहे हैं, 9 बजे की जगह 11 बजे मिल रहे हैं। हो जाता है यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब कॉलर या ट्रांसफॉर्मर फूक जाता है तो ऐसा हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे बहुत जल्दी, यू नो, मैंने सबसे कहा यार जल्दी से तैयार कर दो यार, इलेक्ट्रिसिटी घर पे आ जाए, बच्चों से मिलना है। सुबह थोड़ी अधूरी लग रही है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, आप ही के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करेंगे सो दैट आपके बच्चे खुश हो सके। सो मैम इज बैक विद अ बैंग बच्चों। तो आज हमारा जो सेशन है, इट इज नीट सीबीएसई 2022 का सेशन है हमारा, जिसमें हम न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे रिफ्लेक्स आर्क एंड ह्यूमन आई। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क एंड आपके नेत्र, बहुत ही प्यारे प्यारे दो नैन। ठीक है, तो आप जानते होंगे गाना, ये जो प्यारे प्यारे नैन है बच्चों, उसको हम कवर करने वाले आज के सेशन में। सो लेट्स हिट द सेशन बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वैसे यार तुम लोग इतना इंतजार कर रहे थे मैम का, तो अब सेशन जल्दी से शुरू होना चाहिए। बट सेशन शुरू होने से पहले, कहाँ है मेरे एनर्जी कैप्सूल्स यार? एनर्जी नहीं आ रही, एनर्जी नहीं आ रही, वो एनर्जी कैप्सूल्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे ये मुझे पता नहीं चल रहा है। यस बच्चों, शिवानी यादव कह रही गुड मॉर्निंग। जी जी मैम, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सौम्या, अविनाश, एस के रॉय, यस, श्याम, खेमू, नम्रता, तो सारे बच्चे आ चुके हैं और एनर्जी कैप्सूल्स का वेट हो रहा है। जैसे जैसे एनर्जी कैप्सूल्स आते जाएंगे, उत्साह बढ़ता जाएगा। और 2022 के बच्चों का ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंच चुका है। ह्यूमन ब्रेन हम कर चुके हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व हम कर चुके हैं बच्चों, एक्शन पोटेंशियल भी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे ह्यूमन आई। बहुत सारे आ गए, वाह वाह वाह, जोश हो तो ऐसा, एनर्जी कैप्सूल्स आते जा रहे हैं। तो चलो अब बढ़ते चलते हैं सेशन में। उससे पहले बच्चों क्या करना है, सब्सक्राइब करना है प्यार से। ठीक है, व्हेन यू सब्सक्राइब इट विद अ लव, देयर इज अ फीलिंग यू नो दैट यू गेट आफ्टर जॉइनिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल्स ऑफ नीट, दैट इज वेदांत नीट मेड इजी। तो आप एक वेदन खिलाते हो, आपके अंदर एक जज्बा आता है, क्योंकि यू आर स्टडिंग फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर्स यार, है ना। आपके प्यारे प्यारे टीचर्स आते हैं, आपको सारे नोटिफिकेशन भी देते हैं यार, देर आए बट दुरुस्त आए, आए तो सही ना। हाँ, तो इसलिए बच्चों अपन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यार से, और वो रेड कलर के बटन को ना ऐसे प्यार से क्लिक भी कीजिए। ठीक है, देन बच्चों वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमने मॉक टेस्ट दे दिया, रिजल्ट बता दो कहाँ मिलेगा। तो वो रिजल्ट बच्चों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलता है। ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो कि मेरी रैंक कितने आए, मेरे मार्क्स कितने आए, सो यू विल गेट इन दिस टेलीग्राम ग्रुप बच्चों। तो हर चीज जो भी चैनल पे हो रही है, दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। जैसे कि आज मैं सुबह का सेशन नहीं ले पाई, कॉलोनी में प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए बच्चों हमने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डाल दिया। तो कोई टेंशन नहीं होती इफ यू आर ऑन टेलीग्राम ग्रुप मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा एक बच्चा मुझसे आया पूछ रहे कि मैम ये क्लास 10th के लिए बेनिफिशियल है। बच्चा क्या क्लास 10th, छठी का बच्चा भी पढ़ सकता है, हम इतने प्यार से पढ़ाते हैं। क्या कहते हो बच्चों, सिर्फ क्लास 10th ही क्यों, हम तो छठी के बच्चे को भी समझा दे। बट प्यार से समझने वाली बात है यार, प्यार से समझोगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और फिर तो चाहे 6th का हो या 11th का हो, सबको समझ में आएगा। इसी के साथ बच्चों आपके लिए लॉन्ग टर्म बैच है, ये आपको लेना चाहिए बच्चों। सीरियस लिया करो चीजों को, अगर अपनी लाइफ को आज सीरियस नहीं लोगे ना बच्चों, तो जिंदगी खेल के चली जाएगी। ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ, अगर प्रो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है कि मैम क्या इसका प्रोसीजर है, सो डू नॉट हेजिटेट टू राइट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी garima.goyal@vedantu.com। तो ये बच्चों मेरा ईमेल आईडी है, इस पे आप लिखिए प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि छोटी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको लाइव सेशन मिलेंगे बच्चों, जैसे हम लाइव आते हैं यूट्यूब पे, सारा लाइव चलता है, बहुत सारा लाइव, बच्चों से आगे इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, रिकॉर्डेड सेशन नहीं डालते। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों टेस्ट सीरीज होती है। अब टेस्ट सीरीज का क्या फंडा होता है, जैसे कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोचिंग से हमें क्या मिले, कि मैं एक चैप्टर पढ़ू उसका टेस्ट हो जाए। बट चैप्टर के बाद टेस्ट क्यों, हम तो टॉपिक वाइज भी लेते हैं तुम लोग का, वी टेक द टेस्ट टॉपिक वाइज आल्सो। तो टॉपिक वाइज जब आप प्रिपेयर करते हो ना, यू मेक योर स्ट्रेंथ, ये ऐसे देख रहे हो ऐसे बल आ जाता है तुम्हारे, तो ये बल की बहुत जरूरत है यार बच्चों। असाइनमेंट एंड नोट्स, मैं हमेशा कहती हूँ जब आप अपने पापा मम्मी को मना सकते हो एक बाइक दिलाने के लिए, तो यार दिस इज अ प्रो सब्सक्रिप्शन, ये तो आपकी पढ़ाई की बात है, जहां पे आपको सब कुछ मिल रहा है। मना लो, उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे है, आपको माय टीचर से मिलना है, चलो यूट्यूब पे। यस, हैप्पी टीचर्स डे, आज है क्या टीचर्स डे, नालायक हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। यस,
बच्चों तो ये 12th का और 11th का है कोर्स. इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम 10 टू 11 तब आप चूज कर सकते हो अपना ग्रेड. 11 से 12th में जा रहे हो तब भी आप अपना ग्रेड चूज कर सकते हो, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेड. अब देखो यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात क्या, अगर हम सीधा 12 मंथ का पे करेंगे, इफ वी पे टुगेदर फॉर 12 मंथ्स, एक साथ 12 महीने का हम पे करते हैं, तो जो हमें पे कितना पे करना है बच्चों, 2252. यस, इतना प्राइस हमें पड़ेगा, ठीक है. बट अगर हम एक महीने का पे करते हैं तो यार ज्यादा पड़ेगा. यही नहीं बच्चों, माइक्रो कोर्सेज भी मिलते हैं इसमें, कंप्लीट क्रैश कोर्स भी मिलते हैं, असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, एवरीथिंग यू हैव. अगले साल तक का खर्चा है इसमें. अगले साल बच्चे पता है क्या करते हैं, कोचिंग के बाद क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, वो भी तुम्हें अलग से लेने की जरूरत नहीं है यार, यू विल गेट इन दिस ओनली. यस, तो अगले साल तक का सब कुछ सेटिंग हमने कर रखी है बच्चों. हैप्पी टाइगर्स डे. अच्छा, आज शेर दिवस है. तो बच्चों क्या करना है आपको, इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको YT Pro ये आपका लिंक है. देखो यहाँ पे आप लिंक पे ऐसे क्लिक करते हो ना, तो यस एक लिंक आता है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना बच्चों, जीए प्रो कोड लगाना मत भूलना, कूपन कोड, क्योंकि डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा 4700 का. अगर नहीं लगाओगे तो 4700 एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे बच्चों. तो अगर आप कोड लगाओगे तो 27000 पे करना है, नहीं लगाओगे तो फिर दे लो 32000, फिर वो तो तुम्हारी मर्जी है यार. हाँ, आ रहे हैं पैसे तो दे लो फिर, ठीक है. कोड लगाओगे तो यार थोड़ा कम पे करना पड़ेगा, है ना, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, जीजी मैम स्पेशल डिस्काउंट, है ना बच्चों. गुड मॉर्निंग. यस, तो बच्चों ये स्केड्यूल है. मेरे टाइमिंग्स तो आज बिल्कुल चेंज हो चुके हैं. ये वाला सेशन 11 बजे हो रहा है, ये वाला 4 बजे होगा दिन में बच्चों. आज 4 बजे भी मिलेंगे हम लोग, ठीक है, चाय पे चर्चा भी करेंगे आज. फिर 12:30 आपका गौरव सर का सेशन है, 2 o'clock भी गौरव सर का सेशन है, 7 o'clock यू हैव अरविंद सर सेशन एंड 8:30 यू हैव अरविंद सर सेशन, ठीक है. चलो बच्चों अब आते हैं, अब काम की बात पे आते हैं. ये देखो ऐसे भी कुछ सेट हो जाना चाहिए, ठीक है. यस, लेट्स गेट ऑल सेट बच्चों, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है. जरा थोड़े बाल बाल बांध ले जाए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है. हाँ मैम, आज आप अलग तरीके से बोल रहे हो. इज इट ना, आज मैं दिल्ली वाले तरीके से बोल रही हूँ, है ना मनन. यस, दिल्ली वाला तरीका. यस, तो चलो. तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या है. कभी आपने देखा है कि जब आप एकदम से गर्म पतीले को छू लेते हो बच्चों, तो आप अचानक से अपने हाथ पीछे कर लेते हो, क्योंकि वो क्या होता है, हाँ गर्म गर्म एहसास होता है. क्या होता है बच्चों, गर्म गर्म सा फील आता है, तब आपको पता लगता है भाई हाथ हटा लो वरना हाथ जल जाएंगे, ठीक है. तो ना बिना सोचे समझे जो चीजें आप कई बार कर देते हो ना, दैट कम्स अंडर द रिफ्लेक्स एक्शन. अपने आप के बचाव के लिए बच्चों कई बार बॉडी बाद में सोचती है और एक्शन पहले हो जाता है. वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो बोलने के बाद सोचते हैं अरे यार ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, है ना. यही चीज यहाँ पे भी होती है बच्चों. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आपका एक्शन पहले होगा और थिंकिंग वाला पार्ट बाद में होगा. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन. समझ में आया बच्चों सबको. सो ये है क्या, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ PNS स्टिमुलस That occurs involuntarily. मतलब कि ये बाहर के stimulus का एक reaction है, उसके लिए एक reaction है जो involuntary है. मतलब आपकी इच्छा से नहीं हुआ. एक है कि आपने अपने हाथ खुद से हटाए, एक है कि आपने हटाया और आपको बाद में रियलाइज हुआ ओके मैंने हाथ हटाया. तो इस केस में बच्चों ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार नहीं है ये. नाउ विदाउट कॉन्शियस, आपको पता भी नहीं आपके साथ क्या घटना घटित हो गई. Efforts or thought and requires the involvement of a part of the central nervous system is called a reflex action. और इस particular action में आपका एक central nervous system का भी part include होता है. तो यहाँ पे reflex action की एक साधारण सी definition देखिए जो NCERT ने बड़े साफ शब्दों में लिखी है. तो reflex action एक ऐसी तरह की क्रिया है जो involuntary है, यानी अनैच्छिक है, involuntary, आपकी इच्छा अनुसार नहीं होती है. It is unconscious, यानी आपको पता भी नहीं होता और घटना घटित हो जाती है. तीसरी, इट इज स्पॉन्टेनियस, ये इतनी जल्दी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया किसी से बातें करते करते, ठीक है. एंड बच्चों दिस इंक्लूड्स व्हाट, अ CNS. CNS मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन. राइट बच्चों,
अब अच्छा देखो, रिफ्लेक्स एक्शन, अगर हमें सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन को समझना है ना, तो हमें एक चीज पहले से एक चीज समझनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नाउ व्हाट इज दिस रिफ्लेक्स आर्क? ये रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है? एक ऐसा ऑर्गन जो पहले स्टिमुलस लेगा, ठीक है? तो इसने स्टिमुलस रिसीव किया बच्चों, ठीक है? जो ऑर्गन स्टिमुलस रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर ने सिग्नल किसको देना है? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको सिग्नल देना है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड को। और आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट होता है बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट आप देख रहे हो कि रिसेप्टर और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कुछ तो है जो सिग्नल लेके जा रहा है। कोई मुझे बता सकता है वो कुछ क्या है बच्चों यहाँ पे? व्हाट इज दैट कुछ जो सिग्नल लेके जा रहा है एक रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक? दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एफरेंट फाइबर, ठीक है? तो ये एफरेंट फाइबर है बच्चों जो हमेशा एक रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है एक इफेक्टर को सिग्नल देता है। किसको देता है? इफेक्टर को सिग्नल। और जो इफेक्टर तक सिग्नल लेके आता है उसको हम कहते हैं एफरेंट फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एफरेंट फाइबर। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह का आर्क बन रहा है। दिस आर्क इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो यानी कि आपको किसी ने चूटी काटी, ठीक है, ऐसे आपको चुटी काटी, आपको क्या हुआ? ओह, ठीक है, आपने उसको एक पटाक लगा दिया मुंह पे। कैसे? क्योंकि बच्चों जैसे ऐसे हुआ तो आपके रिसेप्टर को पता लगे यार बड़ी जोरों का दर्द हुआ है। आपने बिना सोचे समझे लगा दिया एक चपाट, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेटा आपने सोचा ही नहीं। ये तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन था कि आपने अपने बचाव में, डिफेंस में दूसरे को लगा दिया एक चपाट, ठीक है? सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्स एक्शंस वर्क, ठीक है? गरम पतीला था, आपने एकदम से छुआ बच्चों, आपको पता नहीं था कि वो गरम है। जैसे आपने छुआ, ठीक है, गरम महसूस हुआ बॉडी को और आपने एकदम से हाथ हटा दिया। बाद में आपको पता चला ओके ये सच में बहुत गरम था। सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्स एक्शंस आर वर्किंग इन योर बॉडी। सो हियर यू कैन सी बच्चों, द सेंसरी नर्व, जो सेंसरी नर्व है उसी को हम एफरेंट फाइबर बोल रहे हैं, जो सिग्नल एक सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रही है। तो आपने कोई गर्म चीज छुई, सेंसरी नर्व कहां तक लेके गई? स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गई। स्पाइनल कॉर्ड ने फिर ऑर्डर दिया किसको? मोटर नर्व को, जिसे हम एफरेंट फाइबर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एफरेंट फाइबर। दिस इज मोटर नर्व। अब क्या है? आपने हाथ दूर कर लिया किससे? जलती हुई आग से, ठीक है बच्चों? बिल्कुल समझ में आया सबको? एवरीबॉडी इज गेटिंग इट इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो बच्चों, सबको समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में? जल्दी से मैम को बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। दीपक, यस, डन। प्रतीक, नैन्सी, यस, ओके। नाउ रिफ्लेक्स आर्क बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझाने के लिए आज तुम्हें मिलेंगे ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स। क्या मिलेंगे बच्चों? ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर इसका काम समझेंगे, प्यार प्यार से समझेंगे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल प्यार प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैम तुम्हारे सामने बैठी हुई है, जब तक समझ नहीं आएगा मैम इज नॉट गोइंग, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो चीज है स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है बच्चों? ये जो चीज एनसीईआरटी ने बना के दी हुई है वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है किसका हिस्सा होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है? इसके पास दो चीजें होती है, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। तो जो बाहर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? व्हाइट मैटर। क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं मेरे बच्चों? वो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। कैसे होते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है? और जो अंदर आपको थोड़ा सा गहरे रंग का दिख रहा है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ग्रे मैटर। और जो ग्रे मैटर होता है उसमें किस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। कैसे होते हैं बच्चों? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो ये हो गया आपके अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है? तो ये तो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो बच्चों, जो डॉर्सल साइड है उसे डॉर्सल बोलेंगे, ये इसका वेंट्रल साइड है, ठीक है? अब यहां पे ट्रिक क्या है? डीपीएस। दिस ट्रिक इज अ मास्टर ट्रिक टू गेट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट। ये मास्टर ट्रिक है, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे करेक्ट होंगे। नाउ व्हाट इज दिस डीपीएस? डॉर्सल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे
पोस्टीरियर मतलब नीचे की साइड, एक तो डॉर्सल पीछे हो गया, ये डॉर्सल साइड, और नीचे की साइड जो उसका ब्रांच है दैट डील्स विद अ सेंसरी नर्व, दैट डील्स विद अ सेंसरी नर्व। तो बच्चों फिर से एक बार रिपीट करेंगे, जो डॉर्सल साइड पे पोस्टीरियर पीछे की साइड, नीचे जो उसकी ब्रांच है उसमें कौन सी नर्व आती है, सेंसरी नर्व आती है। कौन सी आती है बच्चों, सेंसरी नर्व आती है, ठीक है। वहीं पे जो आपका वेंट्रल वाला है, द ट्रिक टू रिमेम्बर इज वैम, यानी कि वेंट्रल साइड आगे, एंटीरियर ऊपर, आगे है ऊपर है, ठीक है, एंड इट इज मोटर इन फंक्शन। सो वैम मीन्स वेंट्रल साइड है, ठीक है, एंटीरियर है, एंड ये क्या है बच्चों, मोटर इन एक्शन है, यानी कि ये सिग्नल हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से एक ऑर्गन की तरफ देगी, ठीक है। तो ये आपके हो गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलस, यानी कि आपने एक पिन मारी अपने हाथ पे, ठीक है। अब जब आपको पिन लगी तो आपको स्टिमुलस हुआ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को कौन लेता है, रिसेप्टर, मैंने आपको बताया था। और रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, स्किन में, क्योंकि अब अगर कोई भी चोट लगेगी तो आपको पता लग जाएगा, बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्किन। अब ये रिसेप्टर से सिग्नल आपके कहाँ पे आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, आपको दिख रहा है ये। तो यहां से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, और ये किसके थ्रू आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। और इसी सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट फाइबर भी कहते हैं। कौन सा फाइबर कहते हैं बच्चों, एफरेंट फाइबर। तो रिसेप्टर से सिग्नल एफरेंट फाइबर से पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में भी कहां पहुंचा, ग्रे मैटर, और इसने यहां पे रिलीज किए न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज किए मेरे बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स गए एक रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होता है, जो दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बच्चों। तो जो दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है उसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये इंटर न्यूरॉन यहाँ पे रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस वाले न्यूरॉन के पास पहुंचेंगे। अब ये सिग्नल फाइनली किसको देगा बच्चों, इफेक्टर को, यानी मसल को। तो जैसे आपको पिन लगी, आपको दर्द हुआ, आपने अपना हाथ ऐसे झटका दिया, ओह हो गया, लग गया, दर्द हो गया, पता लग गया, यस बच्चों समझ में आया। तो आपको जैसे ही किसी ने पिन मारी, आपने कहा अरे यार, आपने ऐसे हाथ झटका दिया। स्कूल में बड़ा करते हैं बच्चों यार, डेस्क पे बैठे बैठे ना कई बार ऐसे ऐसे वो डिवाइडर और वो होते थे ना कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स में कई बार वो लगा देते थे, ठीक है। जैसे वो लगाते थे ना तो आगे वाला बंदा चिल्ला देता था, ओए, ठीक है। तो ऐसी ही चीज, ऐसे ही रिएक्शंस आते हैं जब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बच्चों, ठीक है। आपने भी किया क्या ऐसे अपने स्कूल टाइम में, बताओ मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में, यस जल्दी से बताओ बच्चों। नाउ तो ये था बच्चों हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप रिफ्लेक्स एक्शन आपको क्लियर है। तो एक बार फिर से एक बार फाइनल रिवाइज कर लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टिमुलस कौन लेता है, रिसेप्टर, रिसेप्टर से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ अ एफरेंट फाइबर और सेंसरी फाइबर, ठीक है। बीच में होता है इंटर न्यूरोन, इंटर न्यूरोन सिग्नल देता है एफरेंट फाइबर को, एफरेंट फाइबर से कहां जाता है सिग्नल, इफेक्टर या मसल के पास, ठीक है। तो इस तरीके से रूट को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, बिल्कुल सही बच्चों, यस। नेक्स्ट बच्चों द ह्यूमन आई, यस, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मेनू। हाँ मेनू तो मैं ऐसे बोलती हूँ ना, बिल्कुल ही पंजाबी स्टाइल मेनू। यस साक्षी, आई थिंक सब बच्चे इतने नालायक है, सबने वो सब काम किया जो जी स्क्वायर ने भी किया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अब हम ह्यूमन आई के ऊपर आ रहे हैं बच्चों, ह्यूमन आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में, अच्छा कजरारे गाना है, नहीं बेटा वो नहीं आता, देखो कितनी प्यारी सुंदर आपके नयन है बच्चों, ठीक है, इतने सुंदर नयन है तुम लोगों के। ये जो हमारी आईज होती है पेयर्ड होती है एक और दो, अंटिल अनलेस यू आर अ पायरेट, ठीक है। तो दो आंखें हैं बच्चों हमारे पास, और बच्चों ये जो दो आंखें हैं ये एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। सो द एरिया, द हॉलो एरिया, आपने देखा होगा जब खोपड़े देखते हैं तो उसमें दो ऐसे होल्स होते हैं, ठीक है। उन होल्स के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी दो प्यारे प्यारी आंखें, जिसे आपकी आपको बहुत रक्षा करनी चाहिए बच्चों, यू शुड प्रोटेक्ट योर आईज, ठीक है। तो ब्राइटनेस कम रखा करो अपनी स्क्रीन की, और हर 40 मिनट बाद 20 फीट दूर देखना चाहिए फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू कीप यू नो हेल्दी आईज, बहुत जरूरी है।
अच्छा डर लग गया खेमू। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ आई बच्चों, अब बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ेंगे इसको, स्ट्रक्चर ऑफ आई को। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे, देसी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगी फुल ऑन देसी स्टाइल में बाय गिविंग यू हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मार्कर उठा लिया है, नोटबुक तुम्हारी भी तैयार होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द आई। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ आई, सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस करनी है बच्चों, वो क्या है कि इसकी तीन लेयर्स होती है। हाउ मेनी लेयर्स इट हैज? थ्री लेयर्स। तो हमारी आंखों के पास कितनी लेयर्स होती है मेरे बच्चों? थ्री लेयर्स होती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। क्या कहते हैं बच्चों आउटर मोस्ट लेयर को? आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं स्क्लेरा। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। ठीक है, ये एक आउटर मोस्ट है। और ये किससे बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। क्यों बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से? क्योंकि बच्चों इसको यहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है। जो कि आपकी आई की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमेशा उसे स्ट्रेंथ देती है। तो उसे स्ट्रेंथ देने के लिए इसके पास होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद बच्चों यही स्क्लेरा एंटीरियरली एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया। क्या बोलते हैं उस लेयर को? कॉर्निया। तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर एंटीरियरली इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्निया। व्हाट वी कॉल दिस? कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया के कुछ नीट बॉम्बर्स डिस्कस कर लेते हैं, जो अक्सर आपको टेस्ट सीरीज में, एमटीजी में, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ठीक है, इट इज इन नेवर कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स आर नेवर रिजेक्टेड। पहली चीज तो ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आर नेवर रिजेक्टेड। ये कभी रिजेक्ट नहीं होते, दे आर नेवर रिजेक्टेड। ठीक है, क्यों रिजेक्ट नहीं होते कभी बच्चों? बिकॉज दे आर एवास्कुलर, बिकॉज दे आर एवास्कुलर इन नेचर। क्योंकि ये एवास्कुलर होते हैं, इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है बच्चों। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कभी रिजेक्ट होते ही नहीं है। राइट शिवा, ऑल द बेस्ट शिवा फॉर टुमारो। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड बॉम्बर है। दूसरी चीज, कॉर्निया का काम क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट लेयर है तो लाइट तो इसे आ जाती है। एट द सेम टाइम ये रिफ्रैक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? रिफ्रैक्शन का भी काम करता है। सो आपकी आंखों की आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। यही स्क्लेरा आगे जाके एंटीरियरली क्या बनाती है बच्चों? एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का काम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कभी रिजेक्ट नहीं होते, बिकॉज इट इज एवास्कुलर इन नेचर। एवास्कुलर का मतलब है देयर इज नो ब्लड सप्लाई। ठीक है, यस बच्चों, नाउ कमिंग टू द सेकंड लेयर। चलो आओ जल्दी से सेकंड लेयर की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा कोरोइड है, विच इज द सेकंड लेयर। ये सेकंड लेयर है, और यू कैन से द मिडल लेयर, और द मिडल लेयर। कोरोइड जो है बच्चों, इट इज ब्लैक टू ब्लूइश इन कलर। ये ब्लूइश इन कलर होती है, एंड इट इज हाईली वैस्कुलर। इट इज हाईली वैस्कुलर, यानी यहाँ पे ब्लड वेसल की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू योर एंटायर आई। ठीक है, अब ब्लूइश क्यों है? ये ब्लूइश इसलिए होती है बच्चों, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेलेनिन। कौन सा पिगमेंट होता है बच्चों? मेलेनिन, जिसका काम है टू एब्जॉर्ब लाइट, टू एब्जॉर्ब लाइट। तो ज्यादा से ज्यादा मेलेनिन होगा तो बच्चों क्या होगा? यस, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, आपको बिल्कुल क्लियर विजन दिखेगा। सो ये मेलेनिन पिगमेंट होना बेहद जरूरी है इन द कोरोइड लेयर। अब यही कोरोइड बच्चों आप आगे देखो। सो दिस इज अ कोरोइड विच इज मैम इज मार्किंग इन द ह्यूमन आई। ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास 3D नहीं है बच्चों, बट 2D में तो पढ़ लो यार। यस, तो ये देखो मैम एक प्यारा सा डिजाइन बनाती हुई कोरोइड का। हियर यू कैन सी, एवरीबॉडी कैन सी बच्चों? यस, सबको दिख रहा है कैसे मैम ने डिजाइन बनाया? अब यही आप देखिए यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं बच्चों। कैन यू सी दिस प्रोजेक्शन? दिस इज कॉल्ड अ सिलरी बॉडी। इसी प्रोजेक्शन को बच्चों क्या कहते हैं? सिलरी बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड अ सिलरी बॉडी विच हैव गॉट मसल्स। ठीक है, तो सिलरी बॉडी के पास सिलरी मसल्स होती है, और सिलरी मसल्स किसमें हेल्प करती है? दूर का और पास का देखने में। किसमें हेल्प करती है बच्चों? दूर का देखने में और पास का देखने में। अगर आप बहुत देर से कोई चीज पास की देख रहे हो और एकदम से आप दूर का देखोगे तो यू नो थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने ऐसे महसूस किया बच्चों?
आपने ऐसा महसूस किया है? यस, अगर आप बहुत टाइम से पास का देख रहे हो ना, रीडिंग कर रहे हो और एकदम से मम्मी आवाज लगा दे, तो थोड़ा सा यू नो इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपको ऐसे टाइम लगता है, ओके हाँ अब मेरी आईज एडजस्ट है, नाउ आई कैन सी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज डन बाय योर सिलरी मसल्स. सो सिलरी मसल्स का काम है अकोमोडेशन ऑफ आई. क्या काम है बच्चों? अकोमोडेशन ऑफ आई. सो ये अकोमोडेशन करने में हेल्प करता है. अकोमोडेशन मीन्स दूर का देखना और पास का देखना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं. दिख रहे हैं सबको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं सिलरी प्रोसेसेस. क्या बोलते हैं बच्चों इनको? सिलरी प्रोसेसेस. और ये सिलरी प्रोसेसेस का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. क्या बनाता है बच्चों ये? फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. तो एक्वस ह्यूमर क्या करेगा? एक्वस ह्यूमर आपके लेंस और कॉर्निया का लुब्रिकेशन करेगा. आई रिपीट बच्चों, जो आपका एक्वस ह्यूमर है वो कहाँ बनता है? नीट बॉम्बर बता रही हूँ. सारे क्वेश्चंस आपको ना टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे. आज मैं ये गारंटी ले सकती हूँ. आई कैन टेक दिस गारंटी. जो बच्चा लेक्चर ढंग से सुन रहा है वो खुद महसूस कर सकता है कि इस सेशन के बाद आप एमटीजी उठा लो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे. आई कैन टेक दिस गारंटी. तो सिलरी प्रोसेसेस का काम है एक्वस ह्यूमर बनाना. और ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है? लुब्रिकेट करता है लेंस को और कॉर्निया को, क्योंकि वहां तक ब्लड तो जाता नहीं. तो फिर न्यूट्रिशन कहां से आएगा बच्चों? न्यूट्रिशन आएगा एक्वस ह्यूमर से, ठीक है. अब बच्चों नेक्स्ट चीज पे आते हैं, हम आयरिस. नाउ कमिंग टू द आयरिस, हियर यू कैन सी दिस पार्ट विच आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज आयरिस. सिलरी मसल्स ये आगे जाके क्या बनाती है? आयरिस बनाती है. यू कैन सी द वेरी डार्क रेड कलर पार्ट विच आई एम ड्रॉइंग इज कॉल्ड एज आयरिस. आयरिस कंट्रोल्स द डायमीटर ऑफ प्यूपिल. इट रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल. अब रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक ओपनिंग है जिससे लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर कर रही है. अगर ये प्यूपिल इतना बड़ा है तो यानी लाइट तो बड़ी सारी एंटर कर रही है, ठीक है. अगर ये प्यूपिल छोटा है तो यानी कि लाइट बड़ी कम एंटर कर रही है बच्चों. तो ये जब प्यूपिल बड़ा और प्यूपिल घटा, ये बढ़ाना और घटाना किसका काम है बच्चों? आयरिस मसल्स का. किसका काम है बच्चों? आयरिस मसल्स का. तो आयरिस मसल्स क्या कर रही है? वो प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट कर रही है, उसको इंक्रीज कर रही है या उसको डिक्रीज कर रही है. इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होगा बच्चों? कितनी लाइट आपकी आंखों में एंटर करनी चाहिए, दैट इज रेगुलेटेड बाय आयरिस, ठीक है. और आयरिस बहुत जरूरी है बच्चों. क्यों? मैं आपको बताती हूँ. अगर आप एकदम से धूप में जाते हो, मान लो कि अभी आप घर में बैठे हो, ठीक है, अब मैं एकदम से धूप में जाऊंगी तो आप कुछ ऐसे से करते हो अपनी आंखों से, देखो ऐसे ऐसे से दो सेकंड के लिए, ओहो कितनी धूप आ गई. कौन कौन ऐसे स्टाइल मारता है? हाँ बहुत धूप आ गई, ओहो ओहो ऐसे स्टाइल मार दो बच्चों. तो ये क्या है? बेसिकली यू आर प्रोटेक्टिंग योर आईज फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है. एक साथ इतनी सनलाइट बच्चों आंखों के अंदर जाएगी तो आपकी आंखें क्या होगी? बिल्कुल चौंधा जाती है बच्चों, बिल्कुल उसमें ना एकदम से ऐसे सनलाइट का इतना तेज आता है कि आपकी आंखों में दर्द हो जाता है. तो उस टाइम पे ऐसे 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 करते हैं, ठीक है. और कुछ यू नो कुछ लड़कियां भी होती है ऐसी प्यारी सी, है ना, वो ऐसे भी करती, ओ माई गॉड बहुत धूप है, यस समवन गेट मी एन अम्ब्रेला, तो ऐसी भी होती है, ठीक है. यस बच्चों, तो ये चीज होती है. बट जैसे ही आप अंधेरे में आते हो, जैसे आप उजाले से एकदम से थिएटर में घुसे, ठीक है, थिएटर में बच्चों जैसे ही घुसते हो वहां पे बिल्कुल अंधेरा होता है, मूवी शुरू हो चुकी है, कुछ दिख नहीं रहा. तो एक आध जब तक किसी पे गिर ना जाओ, एक आध सीढ़ी पे ना गिर के अपना लॉल ना करा लो थिएटर में, तब तक हम नहीं पहुंचते. क्यों? क्योंकि आंखों के अंदर लाइट जा ही नहीं रही. जब लाइट ही नहीं जाएगी तो देखोगे क्या? तो अपना लॉल कराओगे वहां पे, गिर गिरा के वहां पे. तो ये हमेशा होता है बच्चों. सो जब अंधेरा, जहां अंधेरा होगा वहां प्यूपिल का डायमीटर बड़ा होगा, सो दैट जितनी भी लाइट है यार वो अंदर चली जाए आंखों के. वहीं जब हम सनलाइट में जा रहे हैं तो ऑलरेडी इतनी रोशनी है, तो थोड़ी सी भी काम चल जाएगा तो उस टाइम पे प्यूपिल का डायमीटर कम होगा. और ये रेगुलेशन कौन करता है? आयरिस. कौन करता है बच्चों? आयरिस. तो ये सब जरूरी है दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है. मैम आयरिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर ना मैम? यस केमो, एब्सोल्युटली. ये मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने ही वाली थी कि आयरिस का एक काम है रेगुलेशन ऑफ डायमीटर ऑफ प्यूपिल, दूसरा काम है आपके यू नो आई का कलर देना. यस, किसी की आईज आपने ब्लू देखी होगी, किसी की आपने ग्रीन देखी होगी, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन, ठीक है. या आई कलर क्यों चेंज होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द आयरिस, ठीक है, बिकॉज आयरिस गिव्स द कलर ऑफ द आई, ठीक है. सबको समझ में आ रहा है बच्चों? What is the function of ciliary muscle and iris?
इसका डिफरेंस क्लियर है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा सवाल कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो पढ़ते वक्त कौन काम कर रहा है, आयरिस या सेलरी मसल, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, मुझे समझ में आ जाएगा। यस बच्चों जल्दी से बताओ, अगर पढ़ते वक्त मैं देख रही हूँ पास की कोई चीज तो उस टाइम पे सेलरी मसल काम कर रही है आयरिस काम कर रही है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। नम्रता कह रही है मेरी आंखें तो ब्राउन है, अरे मेरे नलायको, मेरे नलायको कब सुधरोगे, कभी प्यार से नहीं सुनोगे मैम को, हाँ मैम तो प्यार प्यार से पढ़ा के चली जाएगी। विनीता वेरी गुड, नौशीन गुड, खेमू पिटाई, श्रीजा पिटाई, इशिका और पिटाई, अपर्णा गुड, आशीष बायोलॉजी गुड, यस रेडी, बिल्कुल सही बच्चा अपूर्व, बिल्कुल सही। तो बच्चों यहाँ पे पास का मुझे देखना है, मैं पढ़ रही हूँ तो उस टाइम पे सेलरी मसल काम करेगी, बट जब लाइट की इंटेंसिटी की रिस्पेक्ट आएगी बच्चों तो उस टाइम पे कौन काम करेगा, आयरिस काम करेगा। तो ये आपका एक नीट बॉम्बर सवाल जो मैंने आज आपसे पूछा, इसको ध्यान में रखना। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कौन चेंज करता है, सेलरी मसल, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ प्यूपिल कौन करता है, आपका आयरिस, ठीक है। आगे समझ में आप, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, द नेक्स्ट थिंग मैकुला, अब फोविया मैकुला रेटिना, फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिना देखते हैं फिर उसके बाद ये दोनों टर्म समझेंगे। रेटिना इज अ इनर मोस्ट लेयर, ये क्या बच्चों, ये इनर मोस्ट लेयर है यानी सबसे अंदर, सबसे बाहर स्क्लेरा, फिर स्क्लेरा के बाद कौन सी आती है बच्चों, क्रोइड, फिर आती है रेटिना। रेटिना के पास क्या है, इसके पास सेल्स है एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज आर डी, ठीक है, रॉड्स एंड कॉन्स। तो रॉड्स एंड कॉन्स क्या है बच्चों, आपके सेल्स है जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। रॉड्स बेसिकली लाइट के लिए होते हैं जबकि कॉन्स आर फॉर द कलर, यस बच्चों, यस कॉन्स आर फॉर द कलर्स, और ये कलर्स कौन दिखाता है बच्चों, कॉन्स, ठीक है। प्यार के अलग अलग रंग कौन दिखाता है बच्चों, इंसान, ठीक है, यस बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी दुनिया में कलर्स है वो कौन दिखाता है बच्चों, कौन सिखाता है, और प्यार के अलग अलग रंग कौन दिखाता है, लोग दिखा के जाते हैं तुम्हें। इसी बात पे ठोक दो लाइक यार, ठोक दो लाइक, यस। देखो जिंदगी का ज्ञान भी मिलेगा साथ के साथ, पढ़ाई के साथ साथ, ओनली विद जी स्क्वायर, ठीक है। तो अब बच्चों आप देख सकते हैं जो रेटिना है इनर मोस्ट है, रॉड्स एंड कॉन्स है, जिसमें से कलर विजन किसका काम है, कॉन्स का, रॉड्स का क्या काम है, टू परसीव द लाइट। देन यू हैव फोविया, फोविया का मतलब होता है एक छोटा सा डिप्रेशन, डिप्रेशन के अंदर सिर्फ कॉन सेल होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, सिर्फ कॉन सेल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और कॉन सेल्स का होने का मतलब है इस एरिया में सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन होता है, क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है सबसे ज्यादा क्लियर पिक्चर अगर पूरी आंख में कहीं बनेगी तो वो होगा फोविया सेंट्रालिस, क्या होगा साक्षी, वो फोविया सेंट्रालिस, जहां पे आपकी आंखों में सबसे क्लियर पिक्चर, हाईली रेजोल्यूटेड पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जरा एक चीज पे, एक चीज मैं तुम्हें समझाती हूँ इसका मतलब क्या है, हाई एक्विटी का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो कि आप ना एग्जाम हॉल में हो, ठीक है, आप अपना एग्जाम कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे, आपने 180 में से 100 क्वेश्चन कर भी लिए, फिर आपने ना अपने आगे वाले की एक बार से OMR ऐसे आपकी ना नजर पड़ गई, आगे वाले की OMR पे आपने देखा, हर बाप रे इसने तो सारे गोले लगा रखे हैं। तो जब आपने देखा पहली बार तो आपको बस गोले दिखाई दिए, बट फिर आपने अपनी आंखों को ऐसे उठाया, फिर उस पे ध्यान दिया, सावधानी और सतर्क रहे, तब आपको पता चला कि भाई इसने गोले तो सही लगा रखे हैं। तो आपने फिर उसको देखा, चीटिंग करने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका सेट तो अलग था यार मेरे बच्चों, उसका सेट तो अलग था। तो इसलिए नक्कल के लिए भी अक्कल चाहिए होती है बच्चों। तो ये ना ऐसे ही होता है, जब आप ऐसे नजर वापस उठा के देखते हो ना किसी चीज पे, तो समझ जाओ उस टाइम पे आप इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने फोविया सेंट्रालिस पे, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर इमेज देखने को मिले, ठीक है बच्चों। सबको समझ में आ रहा है, Everybody is trying to get this topic that what is fovea centralis. मान लो खेमू जा रहा था मेट्रो से, खेमू की नजर पड़ी, खेमू ने अपनी आंखें बड़ी की, तो आप समझ ही रहे हो ना, हाँ है ना खेमू, हाँ ऐसा भी होता है बच्चों कई बार ना, आप एक बार वापस से नजर पड़ी और आप ऐसे Oh my God, ये वाला रिएक्शन भी आता है, why? Because you are trying to form that image on your fovea centralis.
राइट बच्चों? तो ये सब चीजें हैं, जनरल एग्जाम्पल्स है, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है बच्चों, इससे आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो दैट हाउ आई एक्चुअली फंक्शन. ठीक है, यस, थैंक यू. हे गाइस, थैंक यू सो मच बच्चों. यस, तो चलो अब आते हैं. मैम आप समझाए और समझना है. थैंक यू नम्रता. आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोगों को डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स दूँ जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर सके चीज़ों से. ठीक है, एंड बच्चों नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ लेंस. नाउ लेंस आपके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे बन जाता है, यानी पैदा होने से पहले ही लेंस बन जाता है. जैसे आप पैदा होते हैं यू हैव योर आईज. ठीक है, प्यूपिल, प्यूपिल वो एरिया जहाँ से लाइट एंटर करती है आपकी आई के अंदर, और प्यूपिल का डायमीटर कौन रेगुलेट करता है? आयरिस. ठीक है, देन यू हैव कॉर्निया, एंटीरियर चेम्बर जिसमें भरा होता है एक्वस ह्यूमर फॉर द ल्यूब्रिकेशन. ठीक है, नाउ हियर यू हैव ब्लैंक स्पॉट और ब्लैक स्पॉट. ठीक है, और यहाँ पे बच्चों कोई भी आपकी यू नो इमेज नहीं बनती है बिकॉज देयर इज नो रेटिना एंड कोन सेल्स. ठीक है, चलो पानी पी लेते हैं. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों. नाउ हियर यू कैन सी द फंक्शन बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द आई. ठीक है, नाउ वी हैव स्क्लेरा, वी नो स्क्लेरा, इट इज आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द आई. कंजक्टिवा कवर्स एंड प्रोटेक्ट द स्क्लेरा, एक छोटी सी पतली सी लेयर स्क्लेरा के भी ऊपर होती है फॉर इट्स फॉर द प्रोटेक्शन. ठीक है, कॉर्निया कवर्स प्यूपिल एंड आयरिस जहां से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और लाइट एक्चुअली एंटर करती है. कोरोइड विच इज ब्लूइश इन कलर एंड इट इज हाईली वैस्कुलर, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा सप्लाई होती है. नेक्स्ट बच्चों आयरिस, आयरिस इज अ कलर्ड पार्ट विच रेगुलेट्स द ओपनिंग और द डायमीटर ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल अपर्चर ऑफ द आई जहां से एक्चुअली में लाइट एंटर करेगी आपकी आंखों के अंदर. सिलरी मसल्स अकोमोडेशन ऑफ आई, सिलरी मसल्स आर अकोमोडेशन ऑफ आई विच चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. क्या चेंज करता है बच्चों? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ये बच्चों ये थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, समझ लो इन सब चीजों को, कोई नहीं समझाने वाला तुम्हें इतनी डिटेल में. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का क्या मतलब है कि कितना उसका फोकल लेंथ है. अब पास का देखोगे दूर का देखोगे फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, बिल्कुल चेंज होगी. ऑप्टिक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में. लेंस, वी हैव अ लेंस एज बाय कॉन्वेक्स, यानी दोनों तरफ से वो कन्वर्जिंग लेंस है. कैसा लेंथ है बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस. नाउ रेटिना, इनर मोस्ट एंड लाइट सेंसिटिव लेयर. तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिनका मैंने नाम भी बताया आपको, रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स एंड कोन्स जिसमें से रॉड्स लाइट विजन करता है तो कोन्स आपका कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फोविया जहाँ पे रेजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होता है, याद है ना खेमो? यस. येलो स्पॉट एरिया ऑफ बेस्ट विजन, ब्लाइंड स्पॉट नो विजन क्योंकि यहाँ पे कोई भी रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं. एक्वस ह्यूमर नरिशमेंट टू द सेल, और एक्वस ह्यूमर कौन बनाता था? हु विल टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस बच्चों कौन बनाता था? Who used to form aqueous humor? कौन सा ऐसा structure है जो aqueous humor बनाता था? It is ciliary processes, right बच्चों? ठीक है, अब बच्चों vitreous humor holds spherical shape of the eyeball. अच्छा एक बात बताओ, होली के दिनों में गुब्बारे के अंदर पानी डालते हैं, जब तक पानी रहेगा गुब्बारे का shape maintain रहेगा, क्या कहते हो? सही बात है या नहीं? बताओ सही बात. जब तक गुब्बारे के अंदर रहेगा पानी तब तक उसका शेप मेंटेन रहेगा. ठीक है, अगर गुब्बारे में से पानी निकाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. यही सेम आपकी आईज के साथ भी है. आपकी आईज भी क्या होती है? एक गुब्बारे की तरह है जिसके अंदर एक पानी भरा है, उस पानी का नाम है विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर कम होगा तो आपकी शेप ऑफ आई बॉल क्या होगा? खत्म. द शेप ऑफ द आई बॉल विल चेंज. So vitreous humor जो embryonic stage पे बनता है, it maintains the shape of the eyeball. गुब्बारे की shape को कौन maintain रखता है बच्चों? Vitreous humor. समझ में लगी ये बात? Nancy, दीप्ति, श्रीजा, रिया, शुभा, शुभांगी, this is important बच्चों. To maintain the shape of the eyeball, you need to have vitreous humor. और ये vitreous humor कब बनता है? Embryonic stages में. कब बनता है? Embryonic stages में. लिख देते हैं. चलो नाउ अकोमोडेशन ऑफ आई, यही चीज सबसे पहली चीज तो ये बताओ मेरे नलायक को, अकोमोडेशन ऑफ आई में कौन हेल्प करता है? सिलरी मसल या आयरिस? एवरीबडी इन द चैट बॉक्स.
अकोमोडेशन ऑफ आई में कौन हेल्प करता है, सिलरी मसल करता है या आयरिस करता है, जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। वहाँ पे जब तक रट नहीं जाएगा ना तुम्हारे आज दिमाग में, बैठ नहीं जाएगा, बार बार एक ही सवाल पूछती रहूंगी। यस, गलत नहीं होना चाहिए। यस बच्चों, आयरिस, अरे मेरे नलायको अभी भी आयरिस, मेरे बच्चों सुधरो, सेलरी मसल, मेरे बच्चों सेलरी मसल, यस, इन सब की पिटाई होनी चाहिए। आज आप जरा देखते हैं बच्चों डायग्राम, लेट्स सी द डायग्राम हियर। तो यहाँ पे आपको देखना है नियर ऑब्जेक्ट फिल्स मोर ऑफ आर फील्ड ऑफ विजन। देखो इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे इसे याद करने के लिए। पहली चीज, जब आप बहुत देर तक पढ़ रहे हो या बिल्कुल फोन में घुस के कुछ चीजें देख रहे हो तो आंखों में दर्द होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। अगर आप मान लो कि एक घंटा लगातार अपने फोन पे ऐसे देख रहे हो बिल्कुल घुस के, ओ, तो ऐसे देखने से आंखों में दर्द होगा या नहीं होगा, टेल मी बच्चों। Will your eyes pain when you are looking at a thing which is at very, you know, close distance? होगा ना, बिल्कुल होगा। चलो बहुत ही सही, आईज में पेन हो रहा है मतलब कि मसल्स थक चुकी है। देखो यहाँ से स्टोरी बना रहे हैं, पास की चीज थी, पास में पड़ी थी, ठीक है, आंखों में दर्द हुआ, आंखों में पेन हुआ, आंखों में क्या हुआ, दर्द हुआ बच्चों। आंखों में दर्द क्यों हुआ, क्योंकि जो आपकी मसल्स थी आंखों की वो क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट करते करते अब वो थक गई यानी फैटीग हो गई, ठीक है। तो एक चीज तो पता लग गई कि जब भी हम कोई पास की चीज देख रहे हैं उस टाइम पे सेलरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। आई बात स्टोरी समझ में आई? यस बच्चों, आपको ये चीज समझ में आई दैट हाउ वी आर रिलेटिंग द स्टोरी हियर? दिस स्टोरी इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑब्वियस सी चीज है। पास की चीज हम देख रहे थे, आंखों में पेन हुआ, आंखों में पेन क्यों हुआ, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट करने से मसल्स थक गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब नियर ऑब्जेक्ट था तो उस टाइम पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण आप पास की चीज देख पाते हो। जब ऑब्जेक्ट दूर था तब मसल्स रिलैक्स करती है बच्चों, क्या करती है, मसल्स रिलैक्स करती है। जब मसल रिलैक्स करती है तो आपकी आंखों में दर्द नहीं होता है, तब आपकी आईज में पेन नहीं होता है। एवरीबडी इज गेटिंग इट? तो मेरे को एनर्जी कैप्सूल्स क्यों नहीं दिख रहे चैट बॉक्स में? व्हाई आई कैन नॉट सी द एनर्जी कैप्सूल्स इन द चैट बॉक्स? यस बच्चों, कितनी इजी तरीके से मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी रिलेटिंग विद अ लाइव एग्जांपल। तो जल्दी से बताओ एनर्जी कैप्सूल्स, गुड बच्चों, गुड। नेक्स्ट बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ विजन। Now I think this is a most climax part of the story. हमने स्टोरी तो समझ ली, कौन यू नो कौन ये था, कौन वो था, कौन रोमियो था, कौन जूलियट थी। अब बच्चों मेजर फंक्शन क्या है, अब वो हमें समझना, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो लेट्स सी हियर, द लाइट रेज इन विजिबल वेव लेंथ। नाउ विजिबल वेव लेंथ कितनी होती है, 400 से 700, फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया लेंस। तो सबसे पहले कॉर्निया और लेंस दोनों मिलके लाइट को किसके पास भेजेंगे, रेटिना के पास। किसके पास भेजेंगे बच्चों, रेटिना के पास, ठीक है। जैसे ही लाइट रेटिना के पास जाएगी इट जनरेट पोटेंशियल इम्पल्सेस इन रॉड्स एंड कोन्स। तो बच्चों किस में, बिजली, हाय बिजली किस में आएगी बच्चों, रॉड्स एंड कोन्स में, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट आई, लाइट ने प्यूपिल से एंटर किया, प्यूपिल से वो लेंस के पास गई, लेंस ने उस लाइट को कहाँ भेजा, रेटिना के पास भेजा। जैसे रेटिना के पास भेजा, रॉड्स एंड कोन्स में क्या आई, बिजली, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन डिसोसिएट्स कॉजिंग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो रॉड्स के अंदर बच्चों एक पिगमेंट होता है, रॉड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं रुडॉप्सिन। क्या कहते हैं बच्चों उस पिगमेंट को, रुडॉप्सिन। तो जैसे ही बिजली आई तो उस बिजली के कारण क्या हुआ बच्चों, सिग्नल के कारण ये दो चीजों में स्प्लिट हो गया, एक हमने बोला रेटिनल, दूसरा हमने बोला ऑप्सिन। तो सबसे पहले लाइट आई, लाइट को कहां तक भेजा, रेटिना तक भेजा, रेटिना के पास रॉड से, रॉड से अंदर एक पिगमेंट था जिसका नाम था रुडॉप्सिन, उस रुडॉप्सिन को हमने तोड़ा किसमें, रेटिनल और ऑप्सिन में, ठीक है। जैसे वो उसमें टूटा तो अब जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है सेल की वो चेंज हो गई, द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ द सेल चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस आर जेनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ किसमें, रॉड्स में, अ सिंगलर प्रोड्यूस जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियोनिक थ्रू बाइपोलर सेल। यानी रॉड्स ने किसको सिग्नल दिया बच्चों, बाइपोलर सेल को,
बाइपोलर सेल से सिग्नल कहाँ गया बच्चों, गैंग्लियोनिक सेल पे, कहाँ गया गैंग्लियोनिक सेल, और गैंग्लियोनिक सेल से सिग्नल कहाँ जाएगा ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व से बच्चों सिग्नल कहाँ जाएगा आपके ब्रेन के पास, ठीक है, किसके पास जाएगा बच्चों, ब्रेन के पास जाएगा ये पूरा का पूरा सिग्नल, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है, सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ विजन अकर्स, ठीक है, कॉमन आई डिफेक्ट्स, नाउ लेट्स कम टू द कॉमन आई डिफेक्ट्स बच्चों, मायोपिया, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, जब आप पास का देख पा रहे हो बट दूर का ढंग से नहीं देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मायोपिया, इज अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, पास की चीजें तो साफ दिखती है बट दूर की चीजें धुंधली ही दिखती है ना बच्चों, एंड इट अकर्स व्हेन द शेप ऑफ द आई कॉजेस लाइट रेज टू बेंड इनकरेक्टली, फोकसिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, यानी पास का देख पा रहे दूर का नहीं देख पा रहे, दूसरी चीज जो इमेज है वो रेटिना के पहले बन जाती है, रेटिना से आगे बन जाती है, तो यहाँ पे जो हम लेंस यूज करेंगे फॉर इट्स करेक्शन दैट इज अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो बच्चों अब जो इमेज बन रही रेटिना से आगे अब वो रेटिना पे बनेगी बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस, ठीक है, सो हियर यू कैन सी द कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द मायोपिक डिसऑर्डर, ठीक है, नाउ हाइपरमेट्रोपिया होना चाहिए बच्चों, ये थोड़ा सा गलती हो गई, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, यानी दूर का देख पा रहे हैं पास का नहीं देख पा रहे हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीज यहाँ पे जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है, तो यहाँ पे जो हम लेंस यूज करेंगे दैट वुड बी अ कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं बच्चों, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस टू करेक्ट द डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज हाइपर मेट्रोपिया, एस्टिगमैटिज्म, इसके बारे में आपको पता है बच्चों एस्टिगमैटिज्म, इस केस में सिलेंड्रिकल नंबर लगता है, देख रहे हो, कैन यू सी हाउ द थिंग्स वुड बी विजिबल, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझको भी है ये एस्टिगमैटिज्म, नॉर्मल आई एस्टिगमैटिज्म, देख रहे हो थोड़ी सी ऐसे नैरो हो गई है एस्टिगमैटिज्म, तो इज अ टाइप ऑफ रिफ्रेक्शन एरर विच द आई डज नॉट फोकस लाइट इवनली ऑन द रेटिना, दिस रिजल्ट इन डिस्टॉर्टेड और ब्लर विजन, ब्लर विजन हो जाता है बच्चों, कैसा विजन हो जाता है, ब्लर विजन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिगमैटिज्म, सो हियर यू कैन सी द करेक्शन इज यूज विद एसिमेट्रिक लेंस, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंसेज, इसके करेक्शन के लिए कौन से लेंसेज यूज करोगे बच्चों, सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग के स्पेक्स के आसपास ना यहाँ से मोटा होता है बीच में पतला होता है ना, साइड से मोटा होता है और बीच में पतला होता है, वो क्या होते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज, ठीक है, यस yes. अच्छा मेरे लेंस की पावर कितनी है, 1 and 1.25, यस देखो मैंने तुम्हें बता दिया, सच सा बता दिया तुम्हें, इतना सच कोई नहीं बोलता यूट्यूब पे, मैं बता दूँ, चलो कॉमन आई डिफेक्ट्स देखते हैं बच्चों, वी हैव नॉर्मल विजन, वी हैव नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस एंड एस्टिगमैटिक, सो ये हमने चार चीजें की बच्चों, यू कैन सी द पिक्चर हियर, राइट, चलो इसी के साथ आज का चैप्टर करते हैं हम समाप्त, लेट्स एंड दिस चैप्टर, बच्चों अभी इस चैप्टर में हमारा ह्यूमन ईयर रह गया एंड अदर रिसेप्टर्स रह गए, इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेंसडे वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर विद फुल जोश, उसके बाद हम करेंगे एक प्यारा सा मेंटी क्विज, और उसके बाद हम करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम एंड विल बी वाइंडिंग अप विद द 11th सिलेबस, यस राइट बच्चों, डन डन आर डन डन, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे इस प्यारे से चैनल को, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, एंड प्लीज़ यार बच्चों थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने मम्मी पापा को बिठाओ, उन्हें बताओ ये सब चीज़ें, एक काम तो करो उनसे बात किया करो, उन्हें समझाओ कि हाउ दिस प्रो सब्सक्रिप्शन कैन हेल्प यू बाय सिटिंग एट होम यू कैन स्टडी एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता आई वुड हैव नेवर टोल्ड यू दैट हाउ यू कैन गो विद द स्टडीज, बिकॉज आई टू टेक बैचेस, प्रो सब्सक्रिप्शन के बैचेस में खुद लेती हूँ, तो मुझे पता है दैट हाउ मच स्टूडेंट्स आर गेटिंग यू नो गुड नॉलेज फ्रॉम अस, व्हेन वी टीच देम दे जस्ट फील सुपर डुपर हैप्पी, द वे वी टीच ऑन यूट्यूब द यू नो द सेम वे वी टीच इन प्रो सब्सक्रिप्शन बैचेस, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे इतने बच्चे होते हैं, वहाँ पे 50, 60, 70 बच्चे होते हैं, सो आई कैन गिव यू पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो,
So if you have any doubt related to this, do not hesitate to write a mail on garima.goyal@vedantu.com. ठीक है? And do not forget to download the app. बच्चों ऐप डाउनलोड करनी है यार, फ्री ऐप है यार, तुम ऐसे काम करते हो, मैम की बात सुनो सबके सब. एवरी फोन शुड हैव अ वेदांतु ऐप. लेट्स मेक दिस, ठीक है? एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप बच्चों, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल. बाय, टेक केयर. टाटा.